ओके सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार की न्यू वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम अलाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। अगर आप अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हो एंड जाके डाउनलोड कर लेना अलर्ट मोशन ऐप को। अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके, तो वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आप बिटमार इंस्टाग्रेट को इम्पोर्ट कर लेना, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको अगर आपको इम्पोर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने उसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। उस वीडियो का भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। आपको दो फ़ोन इंपोर्ट कर लेना है, पहला है iOS V14 एंड दूसरा जो फ़ोन है हमारा वो है डी स्टूडियो फ्री 4। ओके, तो दोनों फ़ोन का लिंक मैं आपको अल मटेरियल्स वाले फाइल में दे दूंगा, आप चेक कर लेना एंड दोनों फ़ोन को जो है इंपोर्ट कर लेना। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा फ़ोन कौन कौन से फ़ोन को इंपोर्ट करना है। ओके ओके, देखो गाइस, फ़ोन इंपोर्ट करने के बाद जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है लिरिक्स वो मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अगर चेंज करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप इमोजी चेंज कर सकते हो तो कोई भी ग्रुप पे क्लिक करके, एडिट ग्रुप पे क्लिक करके इस इमोजी को एडिट करके यहाँ से इसको हटा के आप कोई और इमोजी लगा सकते हो, वो लग जाएगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि आपके फ़ोन में है जो है एप्पल इमोजी, यानी कि iOS V6 वाला, सॉरी गाइस V14 वाला जो है फ़ोन इंपोर्ट होना चाहिए आपके लाइट मोशन में। ओके, तब जाके होगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से कर लेना। फिर आपको क्या करना है, अब हमारा फोटो एडिट करना है। फोटो एडिट करने के लिए आपको 11:20 पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है एंड मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो, जो भी फोल्डर में आपका फोटो है ना, सिंपली आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो वीडियो मतलब फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हैं उस फोटो को सिंपली आपको एडिट करना है, ऊपर से डॉट पर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है। ओके, एंड इस वाले एरो पर क्लिक करना है, कितना, दो बार, फिर तीन बार क्लिक कर देना एंड इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। यानी कि यहाँ पे जो हमने फोटो एडिट किया है, एक बीट मार्क को हम स्किप करेंगे एंड दूसरा बीट मार्क पे जाके इसको हम ट्रिम करेंगे। अगर इमेज ज़्यादा होगा मतलब लेंथ ज़्यादा होगा तो इमेज को ट्रिम करेंगे, अगर कम होगा तो बढ़ा लेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इमेज पर क्लिक करके बीच वाले बीट मार्क जो हमने छोड़ा था उस पर आएंगे, यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। ओके, एंड फिर से हम वहीं पर जाएंगे जहाँ पर इमेज खत्म हो रहा है, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर दूसरा इमेज को एड करेंगे, फिल कंपोजिशन एरिया करके यहाँ पर इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे दो बार। अगर दो बार पे हम अगले बीट मार्क पे आ जाते हैं, इस बीट मार्क को छोड़ के अगले बीट मार्क पे, तो यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन से ट्रिम कर लेंगे। फिर हम बीच वाले बीट मार्क पे आ जाएंगे जिस पे हमने फोटो को ट्रिम नहीं किया है, इस फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ से इसमें कट लगा देंगे। ओके, एंड इसी प्रकार से हम तीसरा फोटो को एड करेंगे, यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। एंड इसी प्रकार से हम बीच का एक बीट मार्क को छोड़ के अगले बीट मार्क पे जाकर ट्रिम कर लेंगे पहले, और बीच में बीच वाले बीट मार्क पे ले जाके हम कट लगा देंगे इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, इसी प्रकार से आपको लास्ट तक फोटो को एड करना है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे आपको फोटो एड करना है। ओके, यानी कि दो बीट मार्क के बीच हमारा एक फोटो रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बीच में जाके कट लगा देना, इस प्रकार से फोटो एड कर करके, ट्रिम कर करके आपको कट लगाते जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ओके, तो लास्ट जितना ही फोटो एड होगा इस प्रकार से आपको एड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं सभी फोटो को एड कर लिया हूँ, सिर्फ मेरा एक फोटो बचा, मैं इसको भी एड कर लेता हूँ। ओके, एंड एड करने बाद इस प्रकार से करना है, लास्ट वाले बीट मार्क पे ट्रिम करना है, बीच वाले पे जाके कट लगाना है। ओके, अब जैसे आप इतना कर लोगे, यहाँ से बैक आना है और आपको सेक इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना है। अब जैसे आप सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करोगे, पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, फिर बैक आना है, बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। जैसे आप बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे आपको आगे चले आना है। ओके, और गाइस आगे आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है हमारा पहले फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। अब गाइस देखो, हमने जैसे कि फोटो एड किया था, एक फोटो का दो फोटो बनाया था। ओके, यानी कि एक फोटो का दो पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, सभी फोटो का जो पहला वाला पार्ट है ना उसमें इस वाला इफेक्ट को पेस्ट करते आएंगे। यानी कि शुरू से हम एक फोटो को छोड़ छोड़ के एक फोटो में पेस्ट करेंगे। ओके, तो दो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि शुरू में हमने पेस्ट किया, फिर एक फोटो छोड़ेंगे, एक फोटो में पेस्ट करेंगे, एक फोटो छोड़ेंगे, एक फोटो में पेस्ट करेंगे। दूसरा जो तरीका वो है कि हमने दो, जो एक फोटो को दो बनाया उसमें जो पहला वाला पार्ट है उसमें पेस्ट करेंगे।
तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से कौन से फ़ोटो में पेस्ट करना है। इफेक्ट पेस्ट करने के लिए आपको वही करना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है, फिर बैक आना है एंड सेकंड इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है। एंड सेकंड नंबर का जो इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद फिर बैक आना है एंड बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। और गाइस जो हमारा फोटो था उसका जो दूसरा पार्ट दूसरा वाला पार्ट था वो जो बचा हुआ है उसमें हम इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, एंड आगे जाएंगे इस प्रकार से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए वही करना है, इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, नीचे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ओके तो लास्ट तक इस प्रकार से आपको पेस्ट करते रहना है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रकार से आप बिल्कुल भी आसानी से यहाँ पे इफेक्ट पेस्ट कर पाओगे। जैसे आप इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे फिर यहाँ से बैक आ जाना एंड फिर से इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओके अब जैसे आप सके इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस कर रखना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। अब जैसे ये सेलेक्ट होगा ना फिर आपको यहाँ पे टैप करना और ऊपर का जो तीन लेयर है ना इनको सेलेक्ट करना, फिर यहाँ पे क्लिक करके कॉपी थ्री लेयर कर लेना है, बैक आना है, बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, शुरू में आके जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, पेस्ट थ्री लेयर कर देना है, फिर आपको लास्ट में चले आना सेलेक्ट करके और यहाँ पर फिर से लॉन्ग प्रेस कर रखना है और इन तीनों को सेलेक्ट करके सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो इस बार से ये हो जाएगा लास्ट, इसका जो लेंथ आ जाएगा यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। एंड जैसा आप इतना कर लेंगे आपकी जो वीडियो है कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपको ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है और अपने वीडियो को सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।